आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था, G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इसको समझने के लिए लड़ाई रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है, डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए, ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है, यूएन की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से स्वामित्व योजना से गांव में घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो कोई आकर के कब्जा कर न ले सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास कॉमन मैन के लिए करने की इस दिशा में सफलता पाई है। आज देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आधुनिक विकसित भारत के सपने में उसका महत्व है समझते हैं और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनोवेशन इसका महत्व बहुत है और इसलिए दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। हमने गतिशक्ति यूनिवर्सिटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक नई पहल की है। हमने एनर्जी यूनिवर्सिटी बना करके आज देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया जंप लगाए, अभी से हमारे नौजवान तैयार हो उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोक्रेट के तरफ, इंजीनियर्स के तरफ, साइंस के तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासन काल में कोई कमी नहीं रखी है और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। ये हमारा रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, यहां रोजगार की भी चर्चा हुई, मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी, आज ग्रीन इकोनॉमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसने ग्रीन जॉब की बहुत बड़ी संभावनाएं धरती पर उतार करके दिखाई है।
और अधिक संभावनाएं बनी हुई है। डिजिटल इंडिया के विस्तार से डिजिटल इकोनॉमी, उसका भी एक नया क्षेत्र। आज सर्विस सेक्टर में डिजिटल इंडिया एक नई बुलंदी पर है। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, गांव के अंदर एक एक कॉमन सर्विस सेंटर में दो दो पांच पांच लोग रोजी रोटी कमाते हैं, और दूर सुदूर जंगलों के छोटे छोटे गांव में भी कॉमन सर्विस सेंटर में आज हमारे देश की आवश्यक सेवाएं गांव के लोगों को एक बटन पर उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हुई है। डिजिटल इकोनॉमी ने अनेक नए रोजगार की संभावनाएं पैदा की। आदरणीय सभापति जी, 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप, इसने भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान ईपीएफओ पेरोल में 1 करोड़ से अधिक लोग जोड़े गए हैं, 1 करोड़ से अधिक लोग। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके जरिए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों का लाभ हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने अपने उद्यमियों के लिए स्पेस, डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल अनेक क्षेत्रों को खोला है, जिसके कारण रोजगार की संभावनाओं में नई गति आई है। और देखिए, हमारे नौजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आकर के अवसर लिया, उठाया है उसका फायदा। आदरणीय सभापति जी, रक्षा के क्षेत्र में यह देश आत्मनिर्भर बने, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि रक्षा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मिशन लेके हम चले। आज 350 से ज्यादा निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में आई है, और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में मेरा देश कर रहा है। और अभूतपूर्व रोजगार इस क्षेत्र में भी पैदा हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, रिटेल से लेकर के टूरिज्म तक हर सेक्टर का विस्तार हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई है, खादी ग्रामोद्योग को भी डुबो दिया था। आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है।